हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर ब्रेनली। तो आप सभी का जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 50th पार्ट में स्वागत है। तो आज हमारे 50 एपिसोड कवर हो गए हैं जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज के, जिसमें कि हमने हर सीरीज में 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसका मतलब हमने टोटल 2000 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जनरल एग्रीकल्चर के। तो अगर आप हमारी सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो आपका अपकमिंग ICR JRF SRF का एग्जाम हो, ICR आपका नेट का एग्जाम हो, नाबार्ड का एग्जाम हो, IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम हो, स्टेट में जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम होते हैं उसका एग्जाम हो, या दूसरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर है एग्रीकल्चर है, या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, तो उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनली। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें बाय शेयरिंग आवर वीडियोस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 2021 2022 2021-22 में विच एग्रीकल्चरल सेंसिस विल बी कनेक्टेड। अभी तो 2021-22 में कौन सा एग्रीकल्चर सेंसिस जो कनेक्ट किया जा रहा है, 9th, 10th, 11th या 12th? इसका राइट आंसर है आपका सी, 11th एग्रीकल्चर सेंसिस जो अभी हम 2022 में कंडक्ट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द पोटेंशियल टू ऐड $1 trillion टू इंडियाज इकोनॉमी, वाई? अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर हम उसका यूज करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसमें पोटेंशियल है कि हम $1 trillion जो है हम ऐड कर सकते हैं, $1 trillion, राइट, $1 trillion ऐड कर सकते हैं इंडिया की इकोनॉमी में बाय 2025, 2030, 2035 या 2040। इसका राइट आंसर है आपका सी, 2035। नेक्स्ट इज द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है NEGPA, नेकपा, ओके। इट वाज लॉन्च्ड इन, जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है इन एग्रीकल्चर में, ये कब लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है आपका ए, 2010-11 में। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम लॉन्च्ड इन, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम है ICDS, ये कब लॉन्च की गई थी? इसका राइट आंसर है आपका सी, 1975 में। नेक्स्ट इज एनीमिया मुक्त भारत अभियान लॉन्च्ड इन, जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान है ये कब लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? इसका राइट आंसर है आपका सी, 2018 में। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द जूट, इंडिया में सबसे ज्यादा जूट कौन सी स्टेट में प्रोड्यूस होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट इज लेट ब्लाइट इज ए कॉमन डिजीज इन, लेट ब्लाइट जो है कॉमन डिजीज है मेज में, बीट, पोटैटो या ग्राउंडनट में। तो लेट ब्लाइट कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, दिस इज अ मेजर डिजीज इन योर पोटैटो। रोका इज द नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन, किस कंट्री में रोका बोलते हैं हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को, यानी कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन को? इसका राइट आंसर है आपका ए, ब्राजील में। तो ब्राजील में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है या शिफ्टिंग कल्टिवेशन है उसको रोका कहा जाता है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एरी एंड मुका सिल्क इन इंडिया इज, इंडिया में एरी एंड मुका सिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इसका राइट आंसर है आपका ए, असम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ब्लैक सॉइल, इनमें से कौन सा जो है दूसरा नेम है ब्लैक सॉइल का? तो आपका जो राइट आंसर है आपका डी, रेगुर सॉइल। जो रेगुर सॉइल है उनको हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द सेल्फिंग एंड मासिंग इन अनियन गिवन बाई जोन्स एंड मैन इन, अनियन में जो सेल्फिंग एंड मासिंग की टेक्निक है जोन्स एंड मैन ने दी थी, कौन से ईयर में दी थी? इसका राइट आंसर है आपका बी, 1963 में। एशिया लार्जेस्ट होल सेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन, एशिया की जो सबसे बड़ी होल सेल स्पाइस मार्केट है वो कहाँ पे है? कोलकाता, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है आपका सी, दिल्ली में। नेक्स्ट इज पूसा सिंधु गंगा इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, पूसा सिंधु गंगा जो है किसकी वैरायटी है? दिस इज द वैरायटी ऑफ वीट। द इंडियन स्टेट लीडिंग इन कॉफी प्रोडक्शन इज, कौन सी इंडियन स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी में? तो राइट आंसर इज बी, कर्नाटका। नेक्स्ट इज इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, जो IGFRI है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो डेट इज लोकेटेड इन झांसी में। रंजीत सबन एंड बहादुर सबन, दीज आर द टू न्यूली डेवलप्ड वैराइटीज ऑफ, रंजीत सबन एंड बहादुर सबन ये दोनों किसकी वैरायटी है? ये दोनों जो राइस की वैरायटीज है। नेक्स्ट इज ए चैनल ऑफ द कैनल वेयर वाटर इज फोर्स्ड टू फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड बाय अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड, जब हम किसी कैनल में एक चैनल बनाते हैं जहाँ पे वाटर को फ्लो करने के लिए फोर्स किया जाता है
अक्रॉस द स्लोप, अगेंस्ट द स्लोप सॉरी। तो अगेंस्ट द स्लोप जब हम वाटर को फ्लो करने के लिए फोर्स करेंगे कैसे, अपलिफ्टमेंट के द्वारा, तो इस चीज को क्या कहते हैं हम, लिफ्ट चैनल, ग्राउंड वाटर, बाराबंदी सिस्टम या फ्लो चैनल, तो दैट इज नोन एज ए लिफ्ट चैनल। गंगा 101 एंड रंजीत डेक्कन आर द वैराइटीज ऑफ गंगा 101 और रंजीत डेक्कन, ये दोनों आपकी मेज की वैराइटीज हैं। नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स प्ले ए की रोल इन रूट डेवलपमेंट, प्लांट्स में रूट डेवलपमेंट के लिए इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट जो इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर इज ए फॉस्फोरस। विच वैरायटी ऑफ व्हीट हैज बीन डेवलप्ड थ्रू इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इनमें से कौन सी वैरायटी है व्हीट की जो कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन के द्वारा डेवलप की गई है, तो राइट आंसर इज आपका सी, शरबती सुनारा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। जय हिंद।